हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग काफ़ी बोर हो रहे थे तो कुछ था नहीं लॉकडाउन में करने के लिए, तो हमने एक बहुत अच्छी चीज़ खरीदी है जिसके बारे में हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो चीज़ क्या है। एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग है, देख के मज़ा आएगा। और अगर आप चाहो तो इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो। अभी मैं वो दिखाने जाने वाला हूँ। हमने खरीदा है इस लॉकडाउन में जुक का 32 वाट का स्पीकर, जो आप देख रहे हैं कि अभी ये बॉक्स के अंदर है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा कि बॉक्स के अंदर कैसा है और इसके अंदर क्या क्या फीचर है। एक्चुअली ये देखने में ना काफ़ी सुंदर है। अगर जो जो लोग किसी ज़माने में नहीं बोलूँगा, 90s में जिनके घर पे रेडियो चाहे टेप हुआ करती थी, वो लोग को पता होगा और ऑब्वियसली उन लोग को डिज़ाइन भी पसंद आएगा। मेरे घर पे था, मेरे जो चाचा थे उनको बहुत पसंद था रेडियो, तो वो यूज़ करते थे। और मैंने देखा ऑनलाइन तो मेरे को इसका लुक काफ़ी पसंद आया। एक्चुअली ये दिखता ऐसे है। तो अभी मैं खोल के आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा और एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे पैक्ड आता है, मैंने इसके ऊपर की प्लास्टिक हटा दी है वो कोरोना से बचने के लिए। तो वो एक अलग सा चीज़ है कि अगर आप हटा देते हो, अच्छे से सैनिटाइज कर देते हो। मैंने इसको 2 दिन ऐसे ही रखा था तो इसीलिए वो काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। अरे अच्छा, इसमें कुछ चार्जिंग केबल दी हुई है। मैं रखता हूँ नीचे। क्या मस्त लुक है यार। अच्छा, तो ये देखने में काफ़ी वाकई सुंदर है। तो अगर आप इसका ये फ्रंट व्यू है इसका, अगर आप ऐसे देखते हैं तो इधर दो स्पीकर दी हुई है, दो छोटे से, और इधर बेस के लिए अलग अलग से दिए दोनों साइड में। एक्चुअली ये पूरा अगर देखा जाए तो जो जब हम लोग छोटे थे चाहे 90s में, आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा टेप जैसे ही दिखता है। तो अभी मैं इसको ऑन करूँगा और आपको इसको मैं दिखाऊँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी एक एक चीज़ चेक करेंगे। तो मैं अभी आपके पीछे की कुछ सेटिंग्स है वो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है जो अपना नॉर्मल वाला 5 वोल्ट का ही है। आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर हो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑन ऑफ दिया हुआ है। आप अगर चाहो तो एसडी कार्ड भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूसली चलेगा ये। ऑक्स केबल के लिए भी ऑप्शन है और यूएसबी केबल के लिए भी ऑप्शन है। तो ये पीछे के साइड की जो सेटिंग है वो है। तो मैं अभी इसको ऑन करने जा रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही ऑन होता है ऐसी साउंड आती है और उसके बाद ये शो करता है कि ये ब्लूटूथ मोड में आ गया है। तो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसमें पेयरिंग करेंगे। ये BT लिखा देता है, हमेशा ऐसे ही ऑन रहता है क्योंकि ये शो करता है कि अभी आपका ये स्पीकर ब्लूटूथ मोड में है। तो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसको पेयरिंग करते हैं। The wireless device has connected successfully. जैसे ही पेयरिंग होगी तो एक मैसेज आएगा कि पेयरिंग सक्सेसफुली हो गई है। और उसके बाद आप कुछ भी अपना गाना सुन सकते हो, बजा सकते हो, यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे जैसे भी आपको सुनना हो। रेडियो का भी ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे मोड है, आप इस मोड से चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा मोड में जाना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में FM के लिए भी है, तो अगर आप रेडियो सुनना चाहते हो तो आप रेडियो सुन सकते हैं। इसको इस मोड में करके आप ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ का क्या बोलते हैं FM चैनल होगा वो डिटेक्ट करेगा और आप उससे गाना सुन सकते हो। और इक्वलाइजर में यहाँ पे ये है कि इसकी साउंड और इसकी बेस बढ़ाने के लिए 2 ऑप्शन दी हुई है। तो यहाँ वॉल्यूम हाई और लो कर सकते हैं। तो ये इतने ही फीचर्स हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें एक गाना प्ले करके दिखाना चाहूँगा कि ये 32 वाट का जो स्पीकर है कैसा है। सभी हम इसमें गाना बजाने वाले हैं। अभी हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिए। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए कुछ सॉन्ग बजाऊंगा क्योंकि इसमें कॉपीराइट के इशू आते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम और इसका कैसा बेस आ रहा है सिर्फ वो चेक करके बता रहे हैं आपको।
सो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, और मोबाइल से भी अगर आपके पास अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप वहाँ से भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। सो इतना ही साउंड सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है और कितना मज़ा आएगा अगर आप इसको फुल साउंड में सुनते हो। एक्चुअली मैंने फुल साउंड किया नहीं था, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरे मोबाइल में जितना फुल वॉल्यूम था मैंने उसी को इंक्रीज़ किया था, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। और इक्वलाइजर में अगर आपको जाना है तो यहाँ से कुछ ऑप्शन आती है, मोड जा के चेंज कर सकते हो, जो कि आप अभी जैसे FM के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है, तो अभी मेरा वॉल्यूम 3 पे है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। अगर क्योंकि अभी FM मोड में चला गया, तो फिर से मैं इसको नॉर्मल मोड में लाने के लिए इस मोड पे क्लिक करूँगा। सो अभी अभी वो ब्लूटूथ मोड में आ गया। सो बस इतना ही दिखाना था, तो इतना ही दिखाना था क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग है और इसमें गाने सुनने का एक अलग ही मज़ा है। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहो तो हमने इसको अमेजन से मंगाया था, और उस समय हम लोग को ये पड़ा था 2700 में कुछ ऑफ़र लगा के। एक्चुअली ये कुछ महीने पहले और भी सस्ता था, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि इसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। मेरे फ्रेंड के पास है, तो बाद में उसने बोला कि नहीं बहुत अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। तो फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है ख़रीद लेते हैं, तो मैंने इसको लिया। और ऑब्वियसली है, गाने सुनो तो मज़ा आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं सुनते लेकिन जब भी सुनते हैं तो एक अच्छा फील होता है, लाउड सा एकदम फुल म्यूजिक, ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं बाहर सुन रहे हो या घर में सुन रहे हो। तो आपका घर बड़ा है तो ऑब्वियसली आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। सो यही है, अगर आप ख़रीदना चाहो तो अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो ऑब्वियसली इसको आप ख़रीद सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, एंड बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।